बात करने वाले हैं बहुत ही खूबसूरत प्लान के। जैसा कि आप स्क्रीन पर हमारा थंबनेल देखा होगा, उसी मॉडल को डिस्कस करेंगे। हमारे एक पेड यूजर हैं, उन्होंने हमें कॉन्टेक्ट किया था व्हाट्सअप पर, तो उन्हीं की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ये जो मॉडल आज मैं डिफाइन करने वाला हूँ 14x50 का बनाया हुआ है। तो उनकी जो रिक्वायरमेंट थी उसी के अकॉर्डिंग ये मॉडल पूरा बना हुआ है। तो इसी को आज हम प्रॉपर तरीके से आपसे सामने डिस्कस करने वाले हैं। मॉडल लो बजट है और एक बेहतरीन सा डिजाइन, इसमें कार पार्किंग व्यवस्था रखी गई है, साथ साथ इसमें डबल मतलब कि डुप्लेक्स हाउस डिजाइन ये मैंने बनाया है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आपने अभी तक स्मॉल हाउस प्लान को दोस्तों सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें, साथ साथ बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें। और मैं आपसे एक अपील करना चाहता हूं, अगर आप हमारी पेड सर्विस का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सएप नंबर दिया, आप हमें वहाँ कॉन्टेक्ट करें, मैं आपसे बात करके आपकी रिक्वायरमेंट को समझ करके हाउस क्रिएट करता हूं। लेकिन वो हमारी पेड सर्विस, इसका विशेष ध्यान रख के आपको कुछ ना कुछ पे करना होगा, जिसमें कि 50% एडवांस पे करना होता है, 50% बाद में। लेकिन आप कमेंट बॉक्स में दिए गए किसी भी प्रकार के नंबर पर कॉल मत करें, क्योंकि वहाँ पर फ्रॉड हो सकता है आपके साथ। जब आपकी हमसे बात हो जाए तभी आप पेमेंट करें, अन्यथा आप अन्य व्यक्ति को पेमेंट बिल्कुल ना करें। तो आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सअप पे। आपको मैंने स्क्रीन पर ये दिखाया, ये पूरा प्लान आप देख सकते हैं, इसी को आज हम डिस्कस करेंगे। इसमें कार भी आपको दिख रही होगी, क्योंकि कार पार्किंग मैंने ऑलरेडी यहाँ 14x50 में बना रखा है। तो फ्रंट का अगर लुक की बात करें तो आप फ्रंट ऐसा देख सकते हैं, ये जो ग्रिल मैंने क्रिएट किया है, यहाँ पर एक आपको कर्व्ड शेप में मिलती है और एक आपका रेक्टेंगुलर शेप में ग्रिल देखने को मिलती है। तो इसी मॉडल को डिस्कस करेंगे, क्योंकि उनकी जो रिक्वायरमेंट थी हमारे कस्टमर की, ग्राउंड और फर्स्ट सेकेंड की रिक्वायरमेंट थी फ्लोर की। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ग्राउंड फ्लोर की। तो ये दोस्तों इसका ग्राउंड फ्लोर है, देखिएगा ये आप जो पिंक कलर का डिज़ाइन देख रहे हैं इसे इग्नोर करिएगा, क्योंकि ये फर्स्ट फ्लोर के लिए है। अभी मेन डोर आपका ये लगा हुआ है, ये देखिए मेन डोर आपका ये है जहाँ से आप एंट्री करेंगे, और स्लोप है। स्लोप के माध्यम से जैसे आप एंट्री करते हैं मेन डोर को ओपन करके, तो आपको सबसे पहले कार पार्किंग के लिए जगह मिल जाती है। देखिए कार पार्किंग के लिए बड़ी सी जगह है, और जैसे अंदर जाते हैं तो ये स्टेयर्स है, इससे आप चलना स्टार्ट करेंगे, टर्न होकर बाहर की तरफ आते हैं। उसी के नीचे ग्राउंड फ्लोर पर इनका लेटन बाथ था, तो उसी के नीचे मैंने लेटन बाथ बनाया और डोर इधर से दिया। इसका जैसे आप अंदर जाते हैं तो आपको एक गैलरी मिलती है, ये डोर जिससे आप एक्सेस कर पाएंगे। अब आपको ये डाइनिंग हॉल टाइप के मिलता है, हालांकि हॉल छोटा ही है लेकिन बहुत ही बेहतरीन हॉल है यहां पर, क्योंकि स्पेस के अकॉर्डिंग आपका बहुत ही प्रॉपर तरीके से मैंने यहाँ एडजस्ट किया है हॉल। इसके बाद जैसे आप आगे पहुंचते हैं तो ये आपका किचन एरिया है, किचन को प्रॉपर वेंटिलेशन मिलेगा हॉल से, और साथ साथ ये डोर दिया। इसके बाद गैलरी से और आगे जाते हैं तो आपको एक बेडरूम यहाँ पर मिल जाता है, और एक सबसे पीछे बेहतरीन सा बड़ा सा बेडरूम मिलता है, क्योंकि टोटल 14 फीट चौड़ाई थी, उसी में पूरा अप्रॉक्स में ये 13 फीट का पूरा रूम बना हुआ है, और 13x12 का अप्रॉक्स में। और उसके पहले जो बेडरूम वो थोड़ा सा छोटा है, फिर आपको किचन मिलता है, फिर आपको डाइनिंग हॉल मिलता है, और फिर आपको कार पार्किंग और स्टेयर्स लेट बाथ मिल जाता है। तो ग्राउंड फ्लोर का नक्शा ये आपको समझ में आ जाएगा। और चारों तरफ दोस्तों क्लोज्ड मकान है, अगर आपका ओपन है, सपोज दैट इनके पीछे कुछ ओपन था, इन्होंने बोला था तो मैंने एक विंडो दे दिया है, अगर आपका क्लोज था तो आप इस विंडो को हटा सकते हैं, ये आपकी रिक्वायरमेंट पर डिपेंड करता है। अब बात करते हैं इसके फर्स्ट फ्लोर की। तो फर्स्ट फ्लोर पर आप जैसे आते हैं दोस्तों, तो इसका अगर हम बात करें इंटीरियर का, तो सारी डिज़ाइन सेम ही है, जैसा कि पीछे बेडरूम था, फिर से बेडरूम, किचन, डाइनिंग हॉल, और आपका जो कार पार्किंग वाला एरिया था ये एज अ बेडरूम आप यूज़ कर सकते हैं, या ओपन एरिया भी यूज कर सकते हैं। हालांकि मैंने यहाँ पर जो बनाया है वो यहाँ पर डोर दिया है, बालकनी को एक्सेस करने के लिए एक डोर है राउंड शेप में, और वहीं पर एक विंडो भी राउंड शेप में मैंने दे रखी है। इसके बाद ये बालकनी का डिज़ाइन दोस्तों आप देख लीजिए, क्योंकि बालकनी से ही घर की खूबसूरती बढ़ती है। तो आप देख सकते हैं बालकनी को मैंने पहले एक कर्व शेप दिया है, और इसके बाद यहाँ पर ये आपका रेक्टेंगुलर शेप यहाँ पर दिया है, तो ये पूरी बालकनी बनकर रेडी हो जाती है। तो ये फर्स्ट फ्लोर हो गया। बात करते हैं लास्ट फ्लोर की। तो लास्ट फ्लोर पर सिमिलर 3.5 फुट का चारों तरफ बाउंड्री वॉल, सिर्फ जो आगे वाला पोर्शन था उसको मैंने ढक दिया है, मतलब कि जो स्टेयर्स के पहले वाला था, और बाद बाकी बालकनी वगैरह वैसी बन जाती है। तो ये जो पूरा ओवरऑल प्लान था आपके सामने मैंने डिस्कस किया। तो अगर आपको प्लान पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें। दोस्तों मैं फिर से गुजारिश करना चाहता हूं, अगर आपने अभी तक स्मॉल हाउस प्लान को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें, साथ साथ बेल आइकन जरूर दबा दें। और हमारी पेड सर्विस का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।